नमस्ते, खेड़ीकर होममेड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मेथी मटर मलाई। ये एक पंजाबी डिश है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस रेसिपी में हमने मेथी का भी यूज़ किया है, मटर का भी और मलाई का भी। सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके कारण ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी हो गई है। और कई बार बड़े से लेके बच्चे तक मटर और मेथी नहीं पसंद करते हैं, तो आप उन्हें इस रेसिपी के थ्रू ये हेल्दी चीज़ें दे सकते हैं। आप हमारे अकॉर्डिंग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं मेथी मटर मलाई बनाने के लिए लगने वाली सामग्री। इस रेसिपी के लिए हमने ली है 150 ग्राम मेथी, जिन्हें हमने धोकर बारीक काट लिया है। हमने लिया है आधा कटोरी मलाई, ये हमने घर की मलाई ली है। आप चाहें तो मार्केट की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। हमने ली है आधा कटोरी मटर, यहाँ मैंने नरम वाली मटर का यूज़ किया है, जो बारीक दाने होते हैं। आप चाहें तो बड़े दानों का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने बड़े पीसेस में काट लिया है। यहाँ मैंने ली है 3 हरी मिर्च, क्योंकि हम लाल मिर्च का यूज़ कम करेंगे। 12 से 15 मैंने लिए हैं काजू। 1 मीडियम साइज़ का मैंने लिया है प्याज, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इसके अलावा मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है 1/4 चम्मच, काली मिर्च पाउडर लिया है 1/4 चम्मच। यहाँ पे मैंने लिया है लौंग और हरी इलायची का पाउडर लिया है 1/4 चम्मच। आप चाहें तो 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, 2 से 3 हरी इलायची और 2 इंच के दालचीनी के पीस का बारीक दरदरा पीस के उसे भी यूज़ में ला सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे हल्दी का यूज़ किया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच शक्कर। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते हैं सब्ज़ी में, तो आप शक्कर को स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है नमक, आधा चम्मच जीरा, 2 चम्मच तेल और हींग। अब हम सबसे पहले प्याज, अदरक और लहसुन का एक पेस्ट बना लेंगे, और दूसरा पेस्ट बनाएंगे हम टमाटर, हरी मिर्च और काजू का। आप चाहें तो काजू की जगह खसखस के दानों का, या फिर मगज़ यानी जो तरबूज के बीज आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अदरक, लहसुन और प्याज का एक पेस्ट बना लिया है, और दूसरा पेस्ट बनाया है मैंने टमाटर, हरी मिर्च और काजू का। अब हम सबसे पहले एक बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म करने रखेंगे। मैंने एक पानी गर्म करने रख दिया है। पानी जब बॉईल हो जाएगा, तब हम इसमें मेथी और मटर डाल के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डालूंगी और मटर के दाने और मेथी डाल के इसे 5 मिनट तक इस पानी में पकने दूंगी। इससे मटर भी हमारी हल्की सी पक जाएगी और मेथी भी थोड़ी पक जाएगी, और हम इसकी कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। पाँच मिनट तक हम मेथी को और मटर को इसी पानी में पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और छलनी की मदद से मेथी और मटर से पानी को पूरी तरीके से अलग कर देंगे। पानी को हम बुरी तरीके से मेथी से अलग कर देंगे। ताकि इससे मेथी की सारी कड़वाहट निकल जाए।
और मेथी से जब तक पानी पूरी तरीके से अलग हो रहा है तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हम सबसे पहले तेल गरम करने रखेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें हींग डालेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। और अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। अब हम प्याज को अच्छे से पकने देंगे। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक पकाया है। अब मैं इसमें जो भी खड़े मसाले मैंने दरदरे पीसे थे उन्हें ऐड करूंगी। इसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम मेथी में पहले ही उबालते समय उसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर चुके थे। अब इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर हम डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी डालेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। ये मसाले तेल में जितने अच्छे से भुनेंगे उतना ही सब्जी का अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए हमने इसे प्याज के साथ ही ऐड कर दिया है। लगभग 1 मिनट तक मसालों को हमने तेल में भुना है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूंगी। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर को भी हम इस पेस्ट में अच्छे से पकने देंगे। टमाटर को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पर ढक्कन रखकर इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। हमें तब तक पकाना है जब तक कि मसालों से तेल अलग ना दिखने लगे। लगभग 3 मिनट तक हमने टमाटर को और ढककर पकाया है। ये देखिए टमाटर से तेल अलग हो गया है। अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। ये हमने घर की मलाई ली है, आप चाहें तो इसमें फ्रेश मिल्क ले सकते हैं, थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं। इस मलाई को मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसे इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे। मैं इसे पहले मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढक्कन रखकर थोड़ी देर पकने दूंगी। इस ग्रेवी को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी देर और पकाएंगे। दो से तीन मिनट तक मलाई को हमने इस ग्रेवी में पकने दिया है। अब मैं इसमें शक्कर ऐड करूंगी और अमचूर पाउडर ऐड करूंगी। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही पकने दूंगे। लगभग 1 मिनट हो चुके हैं।
अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ग्रेवी हम अपने अकॉर्डिंग पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। अब मैं इसमें मेथी और मटर को ऐड करूँगी। मैंने मेथी का पानी पूरा निकाल लिया था ताकि उसकी कड़वाहट दूर हो जाए। अगर आप मेथी की कड़वाहट को पसंद करते हैं तो आप इसको पानी को नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, और जिस पैन में हमने इसे बॉईल किया था उसी पानी को आप फिर सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ग्रेवी की थिकनेस के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। अब हम मेथी और मटर को इस ग्रेवी में लगभग 2 से 3 मिनट तक ढककर पकने देंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो मेथी और मटर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकें। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और सब्ज़ी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी मेथी मटर मलाई बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।